करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? किस संविधान की बात करते हैं जिसको ये गांधी परिवार कब का निगल चुका है, कुचल चुका है? जेपी नारायण जी जो है वो इंदिरा गांधी को हिंदू कहते थे, और जब अपने जिसको वो पिता तुल्य कहती थी उनको जो है इतना टॉर्चर किया जेल में कि जेल से निकलने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। ना जाने कितने लोग जो है वो मर गए, 10 लाख से ज्यादा लोगों को कैद किया था। और ऐसे कई लोग हैं अभी भी जो हमारी फिल्म इमरजेंसी जिसकी आज हमने घोषणा की है वो 6 सितंबर को आ रही है, उसमें ये सब तथ्य जो है वो दिखाए जाएंगे, ताकि जो आज की जो पीढ़ी है वो इन लोगों के चेहरे पहचाने कि इन लोगों की क्या नीयत है। ये जो गांधी फैमिली है ये हमारे देश को जो है अपने बाप दादाओं की जागीर समझती है, ये समझती है कि इस देश के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। और इनका ये जो काला धंधा है ये आज तक इनका शुरू है, लेकिन शर्म की बात यह है कि आज ये अपने काली करतूतों के लिए फिर से जो है संविधान का सहारा ले रहे हैं। इनका भांडा फोड़ने के लिए ही मेरे मन में एक विचार आया कि हमारी पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी क्या थी। इसलिए मैंने जो है एक फिल्म बनाई इमरजेंसी करके, और आपको इस बात को जान के दुख होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में से मेरे फंड्स रोक दिए गए, मेरी फिल्म को रोकने के लिए कितनी साजिशें की गई। मैंने अपना घर गिरवी रखा, अपनी जमीनें गिरवी रखी, अपनी जो है सारी संपत्ति और गहने गिरवी रख के मैंने वो फिल्म जो है वो कंप्लीट की। और 6 सितंबर को जब ये फिल्म आएगी, मैं ये नहीं कहती कि इंदिरा गांधी जी ने जो है वो हमारे पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं किए। हाँ किए, कि उन्होंने बैंक की प्राइवेटाइजेशन नहीं की, हाँ की, लेकिन उन्होंने रक्षक से भक्षक बनते हुए जब उनको लगा कि सत्ता हाथ से जा सकती है, जब उन पर एक केस हुआ, और इतिहास को अगर आप देखें तो शास्त्री जी ने भी रेल हादसे के बाद जो है इस्तीफा दिया था, कई नेताओं ने इस्तीफा दिए थे, लेकिन ये जो गांधी फैमिली है ये जो है सत्ता की ऐसी भूखी है कि जब उनसे इस्तीफा मांगा गया, वो केस हार गई, तो वो रक्षक से एक मिनट में भक्षक बन गई और उसने सारे देश को जो है वो जेल बना दिया। और आज इनकी एक काली करतूते देखने को मिलती है, जब सत्ता नहीं मिल रही है तो ये लोग जो है देश के टुकड़े करने पर आ गए हैं।